तो भाई आज जैसे ही मैं दिन में सो के उठा तो भाई मुझे पता चला कि मैं प्रे करूंगा भाई जल्दी से ठीक हो और भाई जल्दी से भाई हमारे बीच में वापस आए। जीजू हैं वो भी काठमांडू पहुंच गए, उन्होंने भी अपडेट दिया कि भाई का ऑपरेशन होने वाला है। तो भाई आज जैसे ही मैं दिन में सो के उठा तो भाई मुझे पता चला कि हमारे प्यारे जट प्रभजोत पाजी का एक्सीडेंट काठमांडू नेपाल में हुआ है। भाई सुन के पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, बिलीव ही नहीं हो रहा था, मगर यार क्यों मजाक कर रहे हो ये चीज़। लेकिन भाई धीरे धीरे जब हमने फोन करके पूछा भाई, मैसेजेस करे हमारे बाइकर ग्रुप में, राइडर ग्रुप में, तो भाई पता चला कि ये बात सच है। तो भाई मैं प्रे करूंगा भाई जल्दी से ठीक हो और भाई जल्दी से भाई हमारे बीच में वापस आए, क्योंकि भाई ये हमारी राइडिंग ग्रुप के लिए भाई है ना भाई, एक आइडल है भाई। बाइक ट्रैवलिंग लोग देख कर ही भाई हमने भी राइडिंग शुरू करी है, हमने भी भाई 2016-17 से भाई को फॉलो अप करते आ रहे हैं। और भाई ये जब चीज़ सुनी ना तो भाई बिल्कुल भी रहा नहीं गया। तो भाई मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग सब भी भाई के लिए प्रे करें ताकि भाई जल्दी से ठीक हो और हमारे बीच वापस आए और फिर से भाई राइड करें। और भाई भाई बिल्कुल ठीक है, और जैसा कि भाई हमें उनकी फैमिली और भाई समीर ना जो कि उनके साथ गए हैं BMW 1250 लेके, हमने उनकी भी स्टोरी चेक करी तो भाई वहां से भी हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन मिली। फिर भाई जो जीजू हैं वो भी काठमांडू पहुंच गए, उन्होंने भी अपडेट दिया कि भाई का ऑपरेशन होने वाला है। तो भाई भाई का फाइनली ऑपरेशन हो गया है, 72 आवर्स डॉक्टर ने भाई बहुत क्रिटिकल बताए हैं भाई के लिए ऑब्जर्वेशन में। और समीरन पाजी ने भी ये चीज़ कन्फर्म करी है कि हाँ सर्जरी हो गई है और अब होप करते हैं। और भाई मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी भाई के लिए प्रे करें ताकि भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और भाई सच में यार अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, और भाई बिल्कुल भी ये चीज़ है ना हजम नहीं हो रही है कि यार ऐसा कैसे हो गया भाई। और भाई क्या ही कहें, बस इतना कहूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करें ताकि भाई जल्दी से ठीक हो और हमारे बीच में और फिर से हमारे साथ एक राइड करें भाई। बस भाई इतना ही कहूंगा कि होपफुली भाई जल्दी हमारे बीच आ पाए और भाई ज्यादा से ज्यादा भाई भाई के लिए प्रे करो ताकि भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए भाई।